कितना है? गैस स्टोव। क्या है हमारा? बिल्डिंग सिलेंडर। उसके बाद क्या है? एस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्री। ठीक है। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क, ये है बड़ा वाला कोनिकल फ्लास्क और ये है छोटा वाला कोनिकल फ्लास्क। तो हम लोग बड़ा वाला का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर दिख सके। ठीक है। उसके बाद मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें? फूड कलर। तो यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट बॉक्स है। अब इसमें देखेंगे कि फूड कलर कौन है। तो ये येलो फूड कलर हमें नहीं इस्तेमाल करना है, ब्लू फूड कलर है ये और रेड फूड कलर। रेड इधर ये साइड इधर ये रेड फूड कलर है। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? कुकिंग ऑयल। ये हमारा क्या है? कुकिंग ऑयल है। ठीक है। अब सारा सबसे पहले इक्विपमेंट और मटेरियल का जरूरत पड़ता है। सारा इक्विपमेंट और सारा मटेरियल हमारे पास आ गया? यस सर। ऑल डन। अब हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? वाटर फायरवर्क। जो कैमा एक्सपेरिमेंट है आपका? हार्ट एक्सपेरिमेंट है। और ये सारा प्रोग्राम आप, ये सारा एक्सपेरिमेंट आप लोग कहाँ कर रहे हैं? शिक्षा केंद्र। ठीक है। जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अब हम लोग पहला स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? थ्री बाई फोर कोनिकल फ्लास विथ वाटर। वाटर से भरा हुआ है। yes, sir, sir. ये क्या है? वाटर से भरा water. हुआ है। अब हमें क्या करना है? मेजरिंग सिलेंडर को हाफ भरना है। किस चीज से? वायर से या वाटर से? ये हमारा है जिसमें हम लोग 15 ml तक का रख सकते हैं। तो कितना इसमें डालेंगे हम लोग? 10 हो गया। यस सर। तो ये हमारा क्या आ गया? कुकिंग ऑयल इसमें डल। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? वाटर कलर इसमें मिक्स करना है। ठीक है। अगला स्टेप क्या है? वाटर कलर मिक्स करना है। तो मिक्स कर दें। यस सर। वाटर कलर मिक्स कर दें। यस सर। 1 2 3 4 नेक्स्ट कौन सा है? ब्लू। 1 2 3 4 5 अब इसको क्या करना था? नेक्स्ट पिन से हमें मिक्स करना था। क्या करना है? मिक्स करना है। इसको क्या करना है? मिक्स कर दिए हम लोग। बहुत अच्छा से इसको मिक्स करना था, हमने मिक्स कर दिया। यस सर। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है। लास्ट स्टेप क्या था हमारा? क्या था लास्ट स्टेप? उसको क्या बोलते हैं? पोर द वाटर। क्या बोलते हैं? पोर द वाटर इन द कोनिकल, पोर द वायल जो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर में मिला है उसको क्या करना है? इसमें पोर कर देना है। मतलब क्या है? डाल देना है। क्या करना है? डाल देना है। देखिए डाल रहे हैं इसको। अब आप लोगों को देखना कहाँ है? वाटर को देखना है, तेल को नहीं देखना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको दिखाई देगा, थोड़ा टाइम लगेगा और उसको अब देखेंगे आप। ठीक है। बहुत गौर से इसको आपको देखना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये सारा कलर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अगर आप लोग गौर से इसको देख पा रहे हैं तो अब देखिए। अब फायरवर्क नीचे आ रहा है। आकाश में जब रॉकेट छोड़ते हैं तो ऐसा ही दिखाई देता है। दिस इज द ग्रेट एक्सपेरिमेंट एट द शिक्षालय लर्निंग लैब। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेरिमेंट? द थीम डिफरेंट, जो कलर हम लोग डाले थे फायरवर्क की तरह दिख रहा है। yes, sir. मजा आ रहा है। yes, sir. देखने को मिला बहुत कुछ। yes, sir. सबको सब किसी को एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट है? no, sir.
अब देखिए इसको यहाँ से ब्लू रेड है, ब्लू और रेड है, रेड और ब्लू फायरवर्क्स हमारा काम किया। यस सर। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। यस सर। शिक्षालय इज द बेस्ट। यस सर। वेरी गुड। सबको सब कुछ दिख रहा है। यस सर। अरे आकाश में जब हम लोग नीचे से रॉकेट छोड़ते हैं तो चारों तरफ फैलता है। यस सर। वही फायर वाटर फायर है, इसमें अभी हम लोगों ने क्या डाला है, वाटर फायर बम डाल दिया। आप देखो चारों तरफ बम एकदम फट रहा है। yes, जिस तरह से फैलता है वैसे फैल रहा है। yes, क्यों? क्योंकि वाटर और वाटर कलर का डेंसिटी सेम है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, अपने दोस्त यार के पास पहुंच रहा है। और देखो क्या खूबसूरत है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। yes, sir. और ये किसका कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखे हैं, डेंसिटी। yes, घनत्व के कारण क्या होता है, बेसिकली ये विस्कोसिटी एक चैप्टर होता है, जब आगे के क्लास में जाएंगे आप तब आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आप यहीं से साइंटिस्ट दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप लोगों में डेवलप हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एवरी संडे शिक्षालय में क्या कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। इट्स अ वेरी नाइस। सबको सब कुछ दिख रहा है। yes, wow. Wow.